नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है और सपा ने संभल से जियाउर रहमान को टिकट दिया है। वहीं बागपत से मनोज चौधरी को टिकट दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर से सपा ने प्रत्याशी बदला है। गौतम बुद्ध नगर से अब राहुल अबाना को टिकट दिया गया है। इससे पहले महेंद्र नागर को टिकट मिला था। वहीं मिर्जापुर से भी सपा ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सपा ने मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को टिकट दिया है। हालांकि पल्लवी पटेल ने भी मिर्जापुर सीट से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। अपने 6 उम्मीदवारों की सूची में सपा ने पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार को टिकट दिया है, जबकि घोसी से राजीव राय को सपा प्रत्याशी बनाया गया है। तो सपा ने संभल से घोषित किया है प्रत्याशी। 6 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। गौतम बुद्ध नगर पर कैंडिडेट को बदल दिया है पार्टी ने। इसके अलावा मिर्जापुर सीट पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और दूसरी तरफ अपना दल ने भी इस सीट पर दावा किया है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही अब प्रत्याशियों की घोषणा भी पार्टी की तरफ से लगातार हो रही है। मंथन चल रहा है कि किस सीट पर किसे प्रत्याशी बनाया जाए। क्राइटेरिया जीत का रखा गया है, जो जिताऊ कैंडिडेट हो उस पर ही भरोसा जताते हुए उसे उम्मीदवार बनाया जा रहा है। जियाउर रहमान को संभल से टिकट दिया गया है। बागपत से भी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। और ये हम आपको बता रहे हैं कि किसको कहां से प्रत्याशी बनाया गया है। गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना को टिकट दिया गया है और उनका मुकाबला महेश शर्मा से होगा। इसके अलावा 5 और उम्मीदवार जिन्हें समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। घोसी से राजीव राय, अरविंद राजभर के साथ इनका मुकाबला होगा। मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद प्रत्याशी घोषित नहीं अभी। बीजेपी की तरफ से और पीलीभीत से भी भगवत सरन गंगवार को प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने। और बीजेपी ने अभी तक पीलीभीत से कोई भी प्रत्याशी अनाउंस नहीं किया है।